माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने समय दिया इसके लिए। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के अंतर्गत विकासखंड द्रुकोंदल के हाहल नदी के जो पहाड़ है डमजी, वहाँ पर खदानों में लोह अयस्क हेतु जो खनन के कार्य चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्रभावित गांव है मेड़ो, चाहचाड़, पड़गाड़, हाहल नदी, भूसकी इत्यादि गाँवों के अतिरिक्त विकासखंड कोयलीबेड़ा का भी गांव है मेटा बोदेली खदान, वहां पर लोह अयस्क का खनन का काम चालू है। चार गांव छोटे बोदेली, मेटा बोदेली, कड़मे, सोड़वा इत्यादि दोनों विकासखंड के लिखित ग्रामों में लोह अयस्क खनन से अभी वर्षा ऋतु में खनन के बाद निकलने वाले लाल पानी से किसानों के खेतों में आने से धान के फसल के साथ साथ वहाँ पर अन्य फसल भी नहीं हो पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते खेत बंजर हो रहे हैं और खनन प्रबंधन द्वारा भी इन दोनों स्थानों पर कोई पानी निकासी हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और उसके साथ ही साथ वहाँ पर अभी खनन क्षेत्र से बाहर जो खदानों में निकलने वाले लाल पानी से किसानों को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है महोदया। वहाँ पर तत्काल वहाँ पर किसानों खेतों में लाल पानी ना आ जाए, इसके लिए नालियों के निर्माण के साथ साथ लाल पानी का जो फिल्टर उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब कोई व्यवस्था ना हो तब तक खनन का कार्य वहाँ पर रोका जाए। किसानों के खेतों में लाल पानी जाने से बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके चलते वहाँ किसान आक्रोशित हैं और साथ ही साथ वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें खनन प्रबंधन को लाखों करोड़ों का लाभ तो हो रहा है लेकिन किसानों के हित में वहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वहाँ पर किसान आंदोलन करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मैं खान मंत्री जी का को आग्रह करना चाहूँगा कि वहाँ पूरी उचित व्यवस्था करके किसानों के हित में वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को कोई वहाँ पर नुकसान उठाना ना पड़े और वहाँ पर खनन का भी काम चालू हो, लेकिन किसानों के हित को पहले प्राथमिकता देते हुए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।